Continue, woman. Smash them brothers. 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 We want justice. Exam on time. We want. Exam on time. We want. Exam on time. We want. Exam on time. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते We want justice. 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 हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते We want जैसे मैं जेकेपी से कैंडिडेट हूँ तो हमारा जो रिटर्न ले लिया गया की निकाल दी गई आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं किया जा रहा कोर्ट में मैटर चला गया है एट द एंड रिसीविंग एंड में हमारे साथ हम कितनी देर दौड़ते रहेंगे पिछली बार भी हम दौड़ रहे थे दो जी बीच में इस बार भी मैटर कोर्ट में चला गया अब कोर्ट में जाने के बाद हम कितनी देर दौड़ते रहेंगे हमें इस चीज का वाइंड अप चाहिए तो हमारा प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर कि हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कराएं और जो हमारा एसआई का पीईटी है वो भी करवाएं क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं पेपर एग्जाम दे के तीन बार मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर मैं 2016 का एस्पिरेंट हूँ जेके बी एस आई का और मैंने 16 का एग्ज़ाम क्रैक किया है वो भी अपनी मेहनत से 25 लाख दे के नहीं किया जो जो नीचे लिख रहे होंगे ना लाइव में 25 लाख मैंने 25 लाख नहीं देखे एग्ज़ाम क्रैक करके इंटरव्यू तक गया हूँ और सिलेक्शन लिस्ट में मेरा अनफॉर्चुनेट नाम नहीं आया उसके बाद सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था मैंने प्राइवेट फिर से एग्ज़ाम एसआई की वैकेंसी आई मैंने फिर वैकेंसी मतलब भरी फॉर्म भरा और 27 मार्च को एग्ज़ाम दिया रिजल्ट आया मेरा उसमें भी क्लियर था 106 नंबर थे जिनको लगता है ना झूठ बोल रहा हूँ सर्च कर ले विशाल चिब नाम है मेरा सर्च कर लेना भाई आजा उसके बाद अभी मैंने एग्ज़ाम दिया अभी फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया पिछले बार 106 थे इस बार 116 नंबर है 116 नंबर है आगे जब आएगा ना रिजल्ट तब भी देख लेना मेरा नाम उसमें विशाल चिप लिखा होगा उसमें भी नंबर देख लेना तो सर मैं अगर मैं अपनी मेहनत से ले रहा हूँ सब मार्क्स ले रहा हूँ तो मेरी सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा मेरी पीईटी क्यों नहीं हो रही मुझे ये पता है गवर्नमेंट से मेरा ये क्वेश्चन है पीईटी क्यों नहीं हो रही आप इन दो चंद बच्चों से इन्फ्लुएंस होके पीईटी के प्रोसेस को रोक रहे हो या सिलेक्शन प्रोसेस को रोके वो गलत है और हमें सर एक बात और बताता हूँ नवंबर में टेंडर भरा था एक्टर भरा था तब ये प्रोटेस्ट वाले नहीं थे क्यों नहीं थे बताओ भाई क्यों नहीं थे प्रोटेस्ट तब क्यों नहीं आए तब आपको पता था ब्लैक लिस्ट तो बाहर आना चाहिए था तब रोक देते प्रोटेस्ट तब ये टेंडर रुक जाता दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ 5 तारीख को स्टार्ट हुआ 8 को इन्होंने बल्कि वो क्वैश हो गया एग्ज़ाम टेंडर हुआ फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया वो गोर्ड ने फिर से हमें परमिशन दे दी एग्ज़ाम ले सकते तो उसके बाद भी ये बाहर नहीं आए और इवन की जो ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं बच्चे इन्होंने भी एसआई का एग्ज़ाम दिया आपने एसआई का एग्ज़ाम क्यों दिया अगर आपको पता था ब्लैक लिस्ट आप नहीं जाते हम भी नहीं जाते फिर आप नहीं जाते तो फिर कोई भी नहीं जाता आप क्यों एग्ज़ाम पे बैठे फिर 31 को आती है आंसर की भाई आंसर की आते ही इनका हो गया प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हो गया क्योंकि इनके मार्क्स नहीं बनते इनके नंबर नहीं आते भाई इनके 70-70, 60-60 नंबर बनते हैं और ये आप कहते हैं कि ये एपटेक ब्लैक लिस्टेड है इसको बाहर निकालो क्यों निकालो बाहर भाई हमने अपनी मेहनत से एग्जाम दिया हम क्या 4-4 बार एग्जाम ही देते रहेंगे क्या ये स्टेट सिर्फ एग्जाम लेती है कंप्लीट नहीं करवाते ब्लैक लिस्टेड नहीं है भाई सर वो क्या था ब्लैक लिस्टेड थी ना कि है वो थी और सर वो ये सबूत लेके आते ना वो सबूत कौन से लेके आते हैं मैं बताता हूँ वो लेह में हुआ यूपी में हुआ महाराष्ट्र में हुआ इधर हुआ वो सर वो कोई सबूत नहीं होते आप ये बताओ इस एसआई में क्या हुआ इसका सबूत लाओ भाई अगर इसमें होता है फिर हम एक्सेप्ट करते हैं हम एग्जाम देंगे इसका सबूत लाओ ये भी मैं बताता हूँ क्या होगा जैसे हमारी सिलेक्शन लिस्ट आएगी ना ये फिर क्या करेंगे इन्होंने बंदे बिठाए हैं ये वो करेंगे एक्सेल में शीट डालेंगे छांटेंगे ये पिछली बार इसके इतने थे इस बार इतने हैं इस बार इतने सर वो कोई एक बच्चा मेहनत करके मार्क्स नहीं ला सकता पिछली बार किसी के 80 हो सकते हैं अगली बार उसके 100 नहीं हो सकते ये कौन सा रूल हुआ 100 हो सकते हैं सर ऑब्वियसली हो सकते हैं अब सर ये कहते हैं एक एक बंदे के 4-4 बंदे हो गए के एस में एक परिवार के 3 एक बेटी हुई उनके और 2 बेटे हुए हैं तो उन्होंने भी क्या धांधली किया गया धांधली किया तो बताओ भाई उन्होंने के एस वालों ने धांधली किया 3-3 बच्चे हो रहे एक घर के वो भी हो रहे हैं तो सर ये ऐसा अगर इनका नरेटिव चलता रहेगा ना तो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकती अब आपकी मांग क्या है हमारी मांग है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं सर 3 कितने साल हो गए अनएम्प्लॉयड बैठे हैं और जेकेएसएस भी एक पेपर अगर करवाती है ट्रांसपेरेंसी उसमें भी ये आ जाते हैं और सर
देखिए सर, अब हमारी एज हो रही है, अब मैं 28 प्लस हो गया हूँ, हो गया हूँ 28 प्लस। अब मैं जो 752 वैकेंसी इन्होंने फिर से निकाली है, सर ऐसे की वो मैं नहीं भर सकता। अब मैं यही देता रहूँगा क्या एग्ज़ाम? सर तीन बार दे चुका हूँ, कितनी बार दूँ? एक 16 का दिया, अभी 22 में भी दिया, अब 23 में भी दिया। सर क्लियर करके बैठे हैं भाई, प्रोसेस तो कंप्लीट कराओ सर, ये कंप्लीट कराओ यार। हम कब से गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है कि ये एक प्रोसेस कंप्लीट करा दो, SI का, FA का, जो बच्चे बचे वो कंप्लीट कराओ, क्योंकि बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है। आपको पता होगा JNK सेकंड नंबर पे आता है हमारे पूरे इंडिया में, सेकंड नंबर पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप ऐसे करते रहोगे तो ये सेकंड में नहीं फर्स्ट में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि बच्चे बाहर क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं बाहर। और आज हम बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने, सर देखिए मैं बताता हूँ सर, कोई बंदा रजौरी से है, कोई डोडा से, कोई रियासी से, कोई सर इतने दूर से आया हुआ है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा। आपको पता होगा सर, आप मीडिया वाले, आपको सबको पता, कवरेज करते हो। वो जम्मू में आके बेचारा कहीं से पैसे ले लू के, अपने घर वालों से, कहीं से घर वाले उनके बेचारे पैसे लेके, किसी से उधार लेके यहाँ बैठ के तैयारी करते हैं। और लाइब्रेरी की फीस 1000 रुपया सर, 1000 रुपया। आप लाइब्रेरी में बैठ के जब बच्चा तैयारी करता है ना, सिर्फ 1000 रुपया नहीं दे रहा, वो वहाँ पे खाना भी खा रहा है, रह रहा भी है सर, 3-4 हज़ार रुपया रेंट है वहाँ पे रह के। सर वो बेचारा वो रह के फिर तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो स्क्रैप हो जाता है, स्क्रैप होता है, फिर भी फिर से बेचारा वो हिम्मत करके दूसरा बार फिर देता है। फिर वो क्या करता है, प्रोटेस्ट देखता है, यहाँ पे कोर्ट में चले जाते हैं केस। सर उस पर क्या बीत रही होगी मैं बताऊँ, उसके माँ बाप से क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा क्या करने गया। वो बच्चा भी डिप्रेशन में। अब 16 को सर एग्ज़ाम था, 16 को एग्ज़ाम था ना, कोई बच्चा तैयारी भी कर रहा होगा, वो तो कर रहा होगा, उसके 16 को एग्ज़ाम था, कल रात को सुनता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें क्या बीत रही होगी बताओ। वो मेंटली कितना डिस्टर्ब होगा, इन कुछ लोगों की वजह से डिस्टर्ब होगा। ये जो जो लोग बाहर आए सर, इनको पूछो, अपनी रिस्पॉन्स शीट बाहर निकालें, जो अभी एग्ज़ाम दिए ना सर, इनसे पूछो कितने मार्क्स है, इनसे ये क्वेश्चनिंग करो कि क्या मार्क्स, अगर इनके मार्क्स होंगे ना सर तो मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ सारे बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे इनके साथ, इनके मार्क्स ही नहीं है सर। चंद बच्चों के मार्क्स होंगे, वो भी कौन से, जो उम्मीद लेके बैठे होंगे 80 नंबर होंगे, 70 होंगे, जिन्होंने 100 प्लस किया है सर, उनका तो कोई सुन नहीं रहा। रविंदर रैना जी सुनते हैं जिनकी मार्क्स ज़्यादा हो, और जी गवर्नर जी को इतनी गालियाँ निकाली हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। JKSSB पे गालियाँ निकाल रहे हैं, उन पर एक्शन नहीं है। और कल रात को इनका नज़रिया चेंज हो गया, मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, इनका नज़रिया चेंज हो गया। गवर्नर जी को कह रहे हैं दादाजी ने हमें थोड़ा डांट लगाई, ये दादाजी को, इनको दादाजी, अब दादाजी हो इनके, पहले गवर्नर क्या था, यूपी वाला गुंडा, यूपी वाला ये, अब इनको यूपी वाला नहीं दिखा रात को, अब ये बड़के मार रहे हैं मैम, बड़ी बड़ी हुर्रे मार रहे हैं कि हमने एक सीढ़ी हमने जीत ली, अब दूसरी सीढ़ी, दूसरी इनकी यही है कि SI को स्क्रैप करें। वो मैम हम नहीं करने देंगे स्क्रैप, हमारी भी, हमारा भी हक है, हम भी इसी देश में रहते हैं, हम भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, हमारा भी हक है हम जॉब लें, इनका हक नहीं है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि हमारी सिलेक्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाए, और इसी साल में ही करवा दें, क्योंकि ये सिलेक्शन लिस्ट ऐसे लटकाएंगे, 23 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, हम इसी का वेट करते रहेंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है, हम इसी की वजह से तो रुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जितनी जल्दी हो सके उतनी कंप्लीट कराए। थैंक यू।